हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि ब्रांच के अकॉर्ड ब्रांच से रिलेटेड कि उनकी फेवरेट ब्रांच ये सीएस है या आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिल मैकेनिकल रही है, किसी को माइनिंग या किसी को मेटलर्जी मिल रही है, या किसी को कोई ब्रांच मिल रही है, किसी को आईटी मिल रही है, किसी को कोई और लेनी है। तो ऐसे मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हो एडमिशन के बाद, ब्रांच अपग्रेडेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है तो किन कॉलेजेस में और कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है? पॉसिबल है, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, आप फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच अपग्रेडेशन करा सकते हो। उसका रीज़न भी बताऊँ क्यों करा सकते हो, कैसे करा सकते हो। मान लो कोई स्टूडेंट्स मेटलर्जी का या मैकेनिकल का, वो सीएस लेना चाहता है। हम एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट मैकेनिकल का है, वो सीएस लेना चाहता है लेकिन उसे मैकेनिकल मिल पाई है, तो ब्रांच किन किन कॉलेजेस में चेंज होती है? आपके आईआईटी, सारे आईआईटी में ब्रांच चेंज हो सकती है, और इन ऑल आईआईटीज। आपकी एनआईटी, सारी एनआईटी में नहीं लेकिन हाँ मोस्टली एनआईटीज में हो जाती है। आपकी एमएनआईटी इलाहाबाद हुई, एनआईटी पटना हुई, बहुत सारी एनआईटी में हो जाती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपकी एनआईटी हमीरपुर हुई, त्रिची हुई, इनमें नहीं होती। आप इसके लिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट्स और देख सकते हो कॉलेजेस की जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हो, और बाकी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब मोस्टली एनआईटीज में हो जाती है, ट्रिपल आईटीज में हो जाती है, लेकिन ट्रिपल आईटीज में आपको पता बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती, तो एक्सट्रीम केस है। बाकी आईआईटी एनआईटीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें हो जाती है, जीएफटीआईज में हो जाती है, आपके जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी हो जाती है। तो इनमें कॉलेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है क्राइटेरिया का, लेकिन जो मेजर क्राइटेरिया, जो मेजर एलिजिबिलिटी है वो मैं बता दूंगा ब्रांच कैसे चेंज होगी। आखिर एक स्टूडेंट मैकेनिकल मिली है, उसे जब वो मैकेनिकल के एलिजिबल था तो उसे कैसे सीएस मिल जाएगी? सारे स्टूडेंट सीएस लेना चाहेंगे, तो ये मैं चीज़ें बताता हूँ आपको कैसे मिलेगी। देखो, जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, मान लो आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, उसमें आपको मैकेनिकल मिली थी, अब आपको सीएस चाहिए, तो लेकिन आपको सीएस नहीं मिल पा रही, आपने एडमिशन ले लिया, तो वो लोग आपको पहले ही बता देंगे। अगर आप इस सिलसिले में उनसे बात करोगे तो वो ये कहेंगे अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हो, या फिर फर्स्ट ईयर के बाद भी कर सकते हो, लेकिन जनरली फर्स्ट सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, फर्स्ट टू सेमेस्टर्स की जो पढ़ाई होती है मोस्टली सारी ब्रांचेस की, वो सेम होती है, क्योंकि वो बेसिक्स पढ़ाते हैं जब आपको। तो जो स्टार्टिंग के दो सेमेस्टर होते हैं, यानी कि पूरी फर्स्ट ईयर जो होती है आपकी, उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है सारी ब्रांचेज की पढ़ाई में। वो बेसिक्स पढ़ाते हैं, वो मैकेनिकल में भी सेम होता है, सीएस में भी, माइनिंग में, मेटलर्जी में भी। तो जैसे आप इसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में आते हो तो स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स के चैप्टर जो होते हैं उससे स्टार्टिंग में पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है। आप ऐसे कुछ समझ सकते हो कि आपको टूल्स पढ़ाए जाते हैं, यानी कि आपको सम बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं जो सारी ब्रांचेज में आपको काम आएंगे। तो फर्स्ट टू सेमेस्टर में इसी की पढ़ाई चलती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। अब ब्रांच चेंज करने की सीधी सी एलिजिबिलिटी होती है, आपने जैसी मेहनत क्लास ट्वेल्थ में की, जैसा हार्डवर्क क्लास ट्वेल्थ में किया जेई के लिए गया, ऐसा ही वहाँ आपको करना होगा, ऐसा ही हार्डवर्क आपको वहाँ करना होगा। डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के कॉलेज में हो, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपको कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपका कंपटीशन इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनमें 10% सीट्स तक वो ब्रांच अपग्रेडेशन करा सकते हैं। जो कॉलेजेस कराते हैं वो 10% सीट्स तक ब्रांच अपग्रेडेशन करा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर मानो 1000 स्टूडेंट्स हैं तो वो केवल आपके 100 स्टूडेंट्स का करा सकते हैं। ये नहीं कह रहा मैं 100 स्टूडेंट हर साल करेंगे, हर साल 10% करते हैं, हो सकता है 1% कर, हो सकता है 2%, हो सकता है किसी साल कोई स्टूडेंट ना कर पाए ब्रांच अपग्रेडेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप फर्स्ट टू सेमेस्टर्स की बात करते हो तो फर्स्ट टू सेमेस्टर्स, लेकिन जनरली स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद करते हैं, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद की बता रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी मेहनत करके अच्छा स्कोर करना होगा, जब ही आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। ये पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया का मतलब दोनों चीज़ें मिला के, ऐसा नहीं आप केवल एक ही क्राइटेरिया से हो गया, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी टफ होता, काफ़ी टफ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कॉलेज में आएंगे फिर तो वहाँ मज़े करेंगे, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं, तो नहीं हो पाएगी ब्रांच अपग्रेड। और दूसरी चीज़, आपको अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम 75% तो आप रख ही देना यार, आपको ब्रांच चेंज करनी है, चाहे लास्ट की 3 ईयर्स जो बचे हैं या लास्ट के जो सेमेस्टर्स हों उनमें कम कर देना, लेकिन जो आपकी अटेंडेंस है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, 75% से ज़्यादा तो हो ही। और जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो यार, एक सेमेस्टर की बात है, आप भी जानते हो अच्छी ब्रांच मिल जाएगी अगर आपको लेनी है तो उसके बेनिफिट्स, तो इसलिए आप एक साल अटेंडेंस इंक्रीज़ करना। और जब आप अटेंडेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली यार आपके मार्क्स कुछ इंक्रीज़ होंगे, और आपको मेहनत तो करनी होगी ही। जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी CGPA बनेगी आपकी, जब भी आप ब्रांच अपग्रेड करा सकते हो। तो इसलिए आपको दो क्राइटेरिया सी एस सी, दोनों क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक क्राइटेरिया केवल अटेंडेंस लाने से या केवल मार्क्स लाने से आपको ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको
अटेंडेंस भी अच्छी रखनी होगी और साथ ही साथ आपको मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी होगी, तो जब ही केस इसी केस में आपका ब्रांच अपग्रेड हो सकता है। अब मान लो किसी एक ब्रांच में 10 स्टूडेंट्स हैं मैकेनिक से, और उसमें से आपका 5 की ब्रांच चेंज होनी है, 5 की ब्रांच चेंज हो सकती है सीएस के लिए। तो अब आप समझो, जब 10 के 10 स्टूडेंट्स की 10 में से 6 स्टूडेंट की सीजीपीए ज़्यादा आ गई और आपकी कम रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो केवल कंपटीशन वहाँ भी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं और अटेंडेंस लानी है। अटेंडेंस यार एक मिनिमम होता है, यानी कि 75% से ऊपर है तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, फिर आपके मार्क्स ही देखे जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको यार, फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। अगर आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के बाद ब्रांच चेंज करते हो तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इजी होते हैं फर्स्ट 2 सेमेस्टर रिलेटेड टू, यानी कंपैरिजन करें जब उनका अदर सेमेस्टर से, क्योंकि जो आपके बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं उसमें और सारी ब्रांचेस के सेम होते हैं लगभग, तो इसलिए आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, जैसा फ्रेंड में शेयर करो, और मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही है तो कॉलेज ले लो यार, उसके बाद अगर आप मेहनत कर सकते हो तो उसमें जाके करना। और मोस्टली प्राइवेट, सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो किसी मुझसे कमेंट सेक्शन पूछना, या फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो यार उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देखना है। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।